असलम एवरी वन दिस इज़ बुष्टा राजपूत और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही बेहतरीन से ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस की रेसिपी जिसे आप ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे ये मेरा प्रॉमिस है लेट्स गेट स्टार्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास ब्रेस्ट फिले थे दो uh, मतलब था एक ही ब्रेस्ट लेकिन उसके वो बीच में से कट किया हुआ था मैं आपको उसको बटरफ्लाई करना सिखा रही हूँ अगर आपको बटरफ्लाई करना अपने तरीके से आता है तो वेल एंड गुड लेकिन जब भी आप सैंडविचेस बनाते हैं तो उसमें इतना थिक पीस चिकन का नहीं जाता दिस इज हाउ यू विल कट इट बीच में से हमने पूरा से खोल के ये बटरफ्लाई कर दिया है अब आपके पास जो मीट हैमर होता है मीट हैमर लें नहीं, नहीं है तो फिर आप इसी तरीके से छुरी की बैक साइड से इसे इस तरीके से पंच करेंगे जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ इससे क्या होता है कि चिकन के सारे टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं और ये और एक्स्ट्रा जूसी बनती है एक इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है फैल जाता है अगेन आप बर्गर या सैंडविच खाएँ बहुत मोटा चिकन भी अच्छा नहीं लगता इस तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया दूसरा पीस मैंने कट करके रखा हुआ था और सोचा था आपके सामने ही बटरफ्लाई करूंगी उसे भी मैं सेम इसी तरीके से बटरफ्लाई कर दूंगी अच्छा आप इसको स्टेक सैंडविच बनाना चाहते हैं तो आप बीफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आप चाहें आप चिकन की स्ट्रिप्स को भी मैरिनेट कर सकते हैं सैंडविच बनाने के लिए अब आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन पे यहाँ पे सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिए मेरे पास ये ब्रेस्ट फिलिप बड़े, बड़े बड़े थे तो मैं इसमें वन टीस्पून करके डाल रही हूँ वाइट पेपर मैंने सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डाला था उसके बाद इसमें चला जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर वन टी अगेन कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं अब इसमें चले जाएंगे मिक्स हर्ब्स या फिर आपके पास और हो तो वो आप डाल दीजिएगा इससे अच्छा एक फ्लेवर आता है बड़ा रिफ्रेशिंग सा मुझे ऐसा लगता है रेड चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ वन टी स्पून रेड चिली पाउडर मैंने नहीं डाला बताऊँगी क्यों बेकिंग सोडा बहुत अच्छा वेलवेट आपका चिकन को कर देता है या मीट को कर देता है चिली गार्लिक सॉस वन टेबल स्पून ये भी आपके मीट को बड़ा अच्छा टेंडर और सॉफ्ट रखता है यहां पे मैं डाल रही हूँ इसमें मोटी वाली हरी मिर्च ग्रीन चिली एक डाल रही हूँ डी सीड आप कर लीजिएगा ये सिर्फ आपको एक अच्छा सा अरोमा देता है आपको इतना तीखापन नहीं देता ये आपको बस याद रखना है जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा वन टी स्पून ईच ये जो ग्रीन चिली थी ये बहुत कम लोगों को पता होगा ये रेस्टोरेंट्स में कमर्शियली डाली जाती है ताकि आपको अच्छा सा फ्लेवर आ जाए एक स्पाइसी केक मिल जाए। आप स्पाइस लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं ग्रीन चिली भी स्किप कर सकते हैं या सिर्फ ग्रीन चिली डालें रेड चिली जो है वो स्किप कर दें मेरे पास यहाँ पे जो था वो ग्रिल पैन था और मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आप बटर लगा दें आप ऑयल लगा दें मैंने बटर लगाया था क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बटर की खुशबू अच्छी लगती है आप ग्रिल मार्क्स लाना चाहते हैं आप लाएं आप नहीं लेना चाहते कोई मसला नहीं है ये स्लाइस जो था ब्रेड का स्लाइस जो था ये बहुत बड़े साइज का था अगर आपको चाहिए हो किसी भी बेकरी पे जाके आप बोलें मुझे सैंडविच ब्रेड चाहिए तो वो सैंडविच ब्रेड आपको फुल साइज ब्रेड स्लाइस देगा जो आराम से जो हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और एक प्लेटर में फोर पीस कटे हुए रखे होते हैं वो यही होते हैं जिससे दो से तीन बंदे आराम से खा सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑयल डाला और अपने फिले को भी ग्रिल होने के लिए रख दिया था आप फ्राइंग पैन और तवा भी यूज़ कर सकते हैं बहाना नहीं चाहिए कि हमारे पास ग्रिल पैन नहीं था तो हम नहीं कर सकें यहाँ पर मैंने सब सेटिंग एक साथ करके रख ली है ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए असम्बलिंग में ब्रेड स्लाइस हैं चीज़ के स्लाइस हैं जिसे बर्गर स्लाइस कहते हैं फ्राइज मैंने रख लिए थे थोड़े से टोमेटो क्यों कम्बल अनियंस नहीं जाती स्टेक सैंडविच में ग्रिल सैंडविच में अंडा नहीं जाता अब अपने घर के लिए आप बना रहे हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें अंडा जो फ्राई करके अंडा डलता है वो डालना और डाल सकते हैं वरना नहीं जाता बेस में हमेशा म्योनीस और चिली गार्लिक या फिर टोमेटो कैचअप आप टच करेंगे म्योनीस से क्या होगा आपका ब्रेड स्लाइस आप एक दो घंटे बाद भी खाएंगे वो सॉफ्ट रहेगा वो कड़क नहीं हुआ हुआ होगा मैंने एजेस बिल्कुल लाइटली लाइटली से रिमूव कर दिए थे ताकि एक नीट लुक आए आप उसको ज़ाया नहीं कीजिएगा ब्रेड क्रम्स बनाइएगा आप तो हर एक को पता है कि भाई ये चीज़ ज़ाया नहीं की जाती और यूटिलाइज़ हो जाती है थोड़ा सा म्योनीस डालेंगे अच्छा आप स्टेज पे जब आप पहले चिकन को ग्रिल कर रहे हो थोड़ा सा उसका पीस चख लीजिएगा अगर आपको नमक या फिर कोई भी स्पाइस कम ज़्यादा लग रहा है आप कर सकते हैं दिस इज़ हाउ यू यु मेक योर ग्रिल सैंडविच इसमें कोई अंडा नहीं जाता कोई एक्स्ट्रा फिलिंग नहीं जाती ये देखें है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट्स वाला लोग ये इतना बेसिक बनता है इसमें सिर्फ टोमेटो के कम्बर जाता है और एक सलाद पत्ता जाता है आप आइस बर्ग डालना चाहें डालें वरना ये बिल्कुल बेसिक बनता है मैंने इसमें टूथ पिक पिक कर दी थी और इसी तरीके से मैं प्लेटर बनाती जाऊँगी ये सेम जो बड़ा बनाया है इससे जो है आप दो बड़े सैंडविचेस बना सकते हैं चार मीडियम वाले जो आपको ब्रेड स्लाइस बाहर से मिलते हैं घर में जो हमारे आ रहे होते हैं लार्ज साइज का ब्रेड उससे आप आराम से बना सकते हैं क्वांटिटी में चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज कर सकते हैं बच्चों के लिए आपको नमक लाल मिर्च काली मिर्च अप एंड डाउन हमेशा मैं अपनी हर रेसिपी में बोलती हूँ जिसको जितना करना है वो करें बहुत सारे लोग जो मेरी रेसिपीज़ देख के घर से काम करते हैं ये आपके लिए एक न्यू एडिशन है मेरी तरफ से ये स्टेक सैंडविच या ग्रिल सैंडविच कह के, के आप अपने मेन्यू में ऐड करो और मैं कहती हूँ कि वाह वाह ही हो जानी है आपकी ठीक है कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ईजिएस्ट रेसिपी और मुझे बताइएगा कैसी बनी आई वेट फॉर योर फीडबैक अल्लाह हाफिज़